एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है पवित्र नवरात्रि। मेरे तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को पावन शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सबको शुभेच्छा और अभिनंदन। माँ दुर्गा सबकी रक्षा करे और मेरी भी रक्षा करे, मेरी फैमिली भी रक्षा करे। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं एक्चुअली आज 4:15 से उठी थी। मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, आज गुरुवार है, साई बाबा की बार है और नवरात्रि है, इसलिए सुबह सुबह मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। कितना अच्छा लगता है पूजा करने से, पूरा आज पूरा पवित्र पवित्र जैसे पूरा लगता है, पूरा ऊर्जावान लगता है। तो चलिए, मेरा पूजा भी कंप्लीट हो चुका है और बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम, हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पर मेरा पूजा कंप्लीट हो चुकी है। घर में जब तक पूजा ना करो ना, ऐसा लगता है कि कुछ काम हुआ नहीं। जब तक पूजा कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऐसा लगेगा आधा काम पूरा हो गया है। तो इसके बाद जाके मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा लंच बनाऊंगी। यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पर राइस दाल हो चुका है, बस तड़का लगाना बाकी है। यहाँ पर कढ़ाई रखी हूँ, सब्जी बनाऊँगा अभी। अभी ये मटर, ये पनीर और ये थोड़ा सा गोभी, गोभी मटर पनीर बनेगा। इस ये बनेगा विदाउट ओनियन और गार्लिक का बनेगा। इस यहाँ से मैं मसाला रेडी करके रखी हूँ। जीरा, अदरक और ये टमाटर, इसको पेस्ट बनाना है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ना डालना भूल गई, थोड़ा सा काजू डालना है। यहाँ पर एक पेस्ट बनेगा वो सब्जी के लिए, एक काजू और टमाटो, अदरक, जीरा, इसका पेस्ट बनेगा। ठीक है, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, मतलब कोई भी उपवास करो आप ना, कैसे मतलब इजीली एक थाली जैसे पूरा बना सकते हो आराम से। तो वही रेसिपी मैं आज शेयर करूंगा। मैं तो हमेशा बनाते रहती हूँ, आज ऐसे भी गुरुवार है, मुझे साई बाबा के पास भोग लगाना है, तो इसलिए आज सोची थोड़ा सा बिना प्याज लहसुन का सब्जी भी बनाऊँगी। और सिंपल सा पूरा दाल चावल घी में सब तड़का लगेगा, बस वही बना के आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कैसे आप सिंपल सा थाली भी बना सकते हो, आप और भी आइटम बढ़ा सकते हो। कैसी ये 30 मिनट्स के अंदर ये जो थाली है ना पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं पनीर लाई थी, पैकेट वाला पनीर, उसको कट कर दी हूँ। वहाँ पर कढ़ाई में ऑलरेडी मेरा तेल गर्म हो रहा है और तेल गर्म हो गया तो उसमें हल्का सा मैं फ्राई कर दूँगी। मुझे ना फ्राई किया हुआ पनीर थोड़ा सा अच्छा लगता है। पनीर फ्राई करके फिर इधर का जो मसाला है ना उसको रेडी करूँगी, पीस दूँगी, रेडी करके रखे हो, बस पीसना है। यहाँ पर पनीर भी हो गया था, पनीर को फ्राई करके निकाल दी हूँ और गोभी को भी फ्राई करके निकाल दी हूँ। सब कुछ मैं नहीं दिखाई। अरे यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाली, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाली, उसके बाद थोड़ा सा तेज़पत्ता डाली, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। ये जो मसाला ग्राइंड करके रखे थे ना उसको डाल दी और अच्छे से थोड़ा सा उसको भुनेंगे, मतलब फ्राई करेंगे जब तक ये जो टमाटर हमारा जो रॉ फ्लेवर है वो चला ना जाए। फिर एक एक करके ना सारे मसाला हम लोग डालेंगे। मैं ना जैसे गुरुवार को ना साई बाबा को थोड़ा सा भोग लगाती हूँ, दोपहर का तो मध्यान्ह भोग लगाती हूँ, तो इसीलिए ना कभी कभार जैसे बनाती हूँ ना अलग से एक डिब्बा में मैं सारे मसाला भर के रखी हूँ। अलग से जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सब कुछ अलग से, और सेंधा नमक एक डब्बा में भर के अलग से रख देती हूँ। जब भी मन करता है भगवान को भोग लगाना है और डब्बा को मैं उठा कर लाती हूँ और बाकी चीज़ में हाथ में भी नहीं लगा, तो थोड़ा सा ना ये होता है ना, मन अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए यह झिल्ली में ऐसे भर के रखती हूँ पूजा पाठ में। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, जब भी भगवान को भोग लगाना है तो अलग से सब कुछ रखिए, उसके बाद करिए। यहाँ पर धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था ना, नया वाला धनिया पाउडर भी डालिए और उसको भी वो झिल्ली के अंदर भर के रख दूँगी, तो एक साइड में एक अलग जगह में रख दूँगी उसको, तो इसलिए सब कुछ हो गया है। ये सेंधा नमक है, ऐसे भी तो नवरात्रि के टाइम में ना सब सेंधा नमक ही खाते हैं और पूजा पाठ में जो भी खाना बनता है ना उसमें भी सेंधा नमक ही डाला जाता है। यहाँ पर मेरा मसाला ना ऑलरेडी हो गया है, तो जैसे हो जाएगा ना और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि टमाटर का थोड़ा सा ना रॉ फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। ये मैं ऑयल में बनाऊँगी, दाल को जो है ना घी में हल्का लगाऊंगी। यहाँ पर सब मसाला रेडी हो गया था, यहाँ पर गोभी, ये मटर थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद फिर पनीर डालेंगे, क्योंकि पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, गोभी का थोड़ा सा पकने का टाइम है, बस देंगे। और किस किस का फास्ट सब चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। हम लोग का तो फास्ट नहीं है, ऐसे है हम लोग। और यहाँ पर घी और जीरा छोटा सा तड़का लगाऊँ, क्योंकि सोना भी खाएगी ना, मिर्ची नहीं डाल रही हूँ,
तो इसलिए दाल भी हमारा बनकर रेडी हो गया। घी वाला दाल ना मस्त पूरा मंदिर जैसा पूरा फीलिंग आता है। कोई भी चीज़ ना भगवान के नाम से बनाओ ना तो अलग अपने आप टेस्ट ना पूरा बदल जाता है, पूरा अलग स्वाद है उसका। अरे हम पर पनीर भी डाल दिया और सब्जी मेरा रेडी हो गया। और यहाँ पर देखिए रायता, थोड़ा सा सब्जी, दाल और दही का रायता, ये सलाद। बस हमारा घर के देखिए देवी बैठिए, थोड़ा सा कैप्चर कर लिए। और आज का ब्लॉग ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई, बस खाना पीना, थोड़ा सा पूजा पाठ भी ज़्यादा क्लियर नहीं करी। यहाँ पर देखिए हमारे बालकनी से दिखता है, हमारे मोहल्ला में पूरा घर के पास हमारा पूरा बैठा है। कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा, जब भजन बजता है, आरती होता है पूरा। इस बार तो हम लोग नहीं जाके आरती में शामिल नहीं हो सकते, बट इतना अच्छा लगता है मन मेरे, क्या हो रहा है मैं बता नहीं सकती आपको। ये पूरा हमारे घर के पास है पूरा, कितना अच्छा लगता है। और दिखाऊंगी कभी माता की फेस ना, कभी दिखाऊंगी।